तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, मेरी उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी R15 से। भाई दोनों भाई तूफान है भाई। आज मैं बताने वाला हूं भाई इनकी मोटिवेशन के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूं और एग्जॉस्ट लगा रखा हमने, थोड़ा इनके बारे में कंपेयर करेंगे भाई एग्जॉस्ट में, ठीक है। नहीं ये भाई अपनी रैप करा रखी है भाई, पूरी तगड़ी करा रखी है R1 की, और ये भाई सिंपल ही है भाई, ठीक है। नहीं भाई जब दोनों सेम है भाई, मिनर भी भाई बिल्कुल अलग हैं, अपने फ्लाई वाले हैं और ये भाई 10R वाले, ठीक है। नहीं भाई अपने क्रेज गार्ड भी डलवा है, मतलब कि काउल वगैरह सब चीज़ लगी है, तगड़ा मतलब कि रोला, ठीक है। नहीं और भाई इसमें एग्रो फोर भी लगा हुआ है, और भाई इसमें SC लगा हुआ है, प्रोजेक्ट काफ़ी तगड़ा धांसू है भाई। मैं भाई इनमें दोनों में कंपेयर करने वाला हूँ भाई, कौन सा एग्जॉस्ट सबसे ज़्यादा लाउड है भाई, और कौन सा भाई बेस्ट रहता है R15 V4 में, ठीक है। नहीं अभी मैं बताने वाला हूँ, और आप बताना भाई कौन सा बेस्ट है सबसे ज़्यादा। चेक करते हैं फिर, 1 2 3 भाई SC के साथ, SC का साउंड सुनते हैं कैसा कैसा। नहीं यह भाई भाई देखने में इतना तगड़ा है ये तो, ठीक है। नहीं साउंड और चेक कर लेते हैं एक बार, सबसे तगड़ा लाउड बिल्कुल जो है ना भाई, रोला वोला काटना तो भाई R15 में SC लगाओ, सबसे तगड़ा भाई लाउड है सबसे। एग्रो फोर भाई बेस है भाई, लिमिटेड है भाई इसकी, मतलब कि पब्लिक में भी चला सकते हैं भाई, इसे लगा के नहीं चला सकते, काफ़ी लाउड है, ठीक है। नहीं और भाई मॉडिफिकेशन बता देना भाई, बाइक में कौन सी तगड़ी लग रही है भाई, रैप बताना हमारी, रैप कराइए बाइक पर कैसी लगी कैसी नहीं, ठीक है। नहीं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई, अगले ब्लॉग के लिए टाटा बाय बाय। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।